हेलो, वेलकम टू नेशनल खबरों और मैं हूं आपके साथ में एलिश। और अब हम चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया की ओर। महेश बाबू की SSMB 28 में दिखेंगी जानवी कपूर, मेकर जल्द करेंगे इसका ऐलान। महेश बाबू की आने वाली फिल्म SSMB 28 साउथ की मच अवेंटेड फिल्मों में से एक है, जिसे डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास बनाने के लिए जा रहे हैं। इस फिल्म का ऐलान कुछ दिनों पहले ही किया गया है। इसके बाद से ही फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं फिल्म को लेकर। एक ताजा रिपोर्ट में ये माना जा रहा है कि इसमें बॉलीवुड अदाकारा जानवी कपूर की एंट्री हो सकती है। मेकर्स जल्द ही जानवी कपूर को फिल्म की कहानी सुनाने वाले हैं और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जानवी कपूर और महेश बाबू पहली बार एक फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। अब रिपोर्ट्स की माने तो ये भी बताया जा रहा है कि महेश बाबू भी, जो उनकी आने वाली फिल्म है, उसमें जानवी कपूर को साइन करना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि अदाकारा उनकी फिल्म का ऑफर ठुकराने नहीं वाली है। महेश बाबू अदाकारा जानवी कपूर के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड है। महेश बाबू ने SSMB 28 से पहले स्पाइडर का ऑफर भी जानवी कपूर को ही भेजा था, लेकिन अदाकारा ने इस फिल्म को करने से पहले इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि जानवी कपूर को लगता था कि वो बिग बजट वाली फिल्में जो भी हैं उनके लिए अभी तैयार ही नहीं है। बिग बजट फिल्मों की अलग जिम्मेदारी होती है जिसके लिए उन्हें खुद को तैयार करना था, जिस कारण उन्होंने स्पाइडर करने से मना कर दिया था। हालांकि अब जानवी कपूर को काफी समय हो चुका है और वो फिल्म मेकिंग के हर पहलू से अवगत हो चुकी हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि वो महेश बाबू की आने वाली फिल्म को साइन कर लेंगी। जानवी कपूर अपने डेब्यू के बाद से ही चुनिंदा फिल्में साइन कर रही थी। उन्होंने एक साथ फिल्में साइन करने से जल्दबाजी नहीं की, जिसका उन्हें फायदा भी हो रहा है। बीते दिनों जानवी कपूर फिल्म दोस्ताना 2 के लिए चर्चा में बनी हुई थी, जिससे कार्तिक आर्यन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो अब देखते हैं कि क्या जानवी कपूर महेश बाबू के इस ऑफर को एक्सेप्ट करती हैं या नहीं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही मजेदार जानकारियों को जानने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत।